नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों ये होंडा सिटी है, ओल्ड वाली 1.3 2000 का मॉडल है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी है, ऑटोमेटिक गियर वाला है। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है कि गाड़ी चालू नहीं हो रही है, तो आपको मैं इग्निशन स्विच ऑन करके दिखाता हूँ। तो मैंने इग्निशन स्विच ऑन किया तो यहाँ पे उसका चेक लाइट तो बराबर आ रहा है, आप देखेंगे तो उसका जो चेक लाइट है वो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वो गाड़ी चालू नहीं हो रही है। जो येलो लाइट है वो चेक लाइट आ रहा है। तो अपन देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो आपको एक बार मैं उसका सेल्फ मार के भी दिखाता हूँ। सेल्फ लग रहा है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो आपको मैं ये जो येलो लाइट है ये उसका चेक लाइट है। तो आगे देखते इंजन में क्या प्रॉब्लम है। तो ये डेल्को वाला इंजन है, ओल्ड वाला। तो इसका एक नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अपन यहाँ पे इसका एक नंबर है जो टाइमिंग कवर के साइड से, यहाँ पे देखते हैं कि जो प्लग में उसका करंट आ रहा है क्या। तो आपको मैं दिखाता हूँ। सेल्फ मार मार सेल्फ। तो प्लग में इसका करंट नहीं आ रहा है। और दूसरा और एक इंजेक्टर देखते हैं, एक नंबर इंजेक्टर में उसका जो लाइट सप्लाई आ रहा है क्या देखेंगे। तो मैंने टेस्टिंग बल्ब लिया है, तो अपन डायरेक्ट देखते हैं कि इंजेक्टर के अंदर सप्लाई आ रहा है क्या। तो मारता हूँ सेल्फ में, देखते हैं। मार सेल्फ मार मार। तो यहाँ पे इंजेक्टर में भी इसका करंट नहीं आ रहा है। तो इसको अभी मैं आज उसको स्कैन नहीं करूँगा, अपन उसको डायरेक्ट फॉल्ट को ट्रेस करेंगे और क्लियर करेंगे। तो ये होंडा का ओल्ड वाला मॉडल है, 1.3 टाइप 1 2000 के आसपास का मॉडल है, 2000। तो देखते हैं कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो मैं इसका इग्निशन स्विच ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे उसका जो EML लाइट है, इंजन मैनेजमेंट लाइट जिसको चेक लाइट बोलते हैं, वो इसका चेक लाइट भी येलो कलर का वो बराबर आ रहा है। लेकिन एक चीज़ और एक नोटिस करेंगे तो उसमें चेक लाइट जैसे भी इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो चेक लाइट आके जाना चाहिए, इट मीन्स ये अपना सिस्टम ओके। लेकिन ये कंटिन्यूसली स्टिल है, मतलब रुका है। तो रुका है इट मीन्स इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। आपको वापस एक बार इग्निशन स्विच ऑफ करके मैं दिखाता हूँ। ये मैंने ऑफ़ किया, ऑन किया, ऑन करने के बाद जो येलो लाइट जो चेक लाइट है वो 2-3 सेकंड के बाद ऑफ होना चाहिए। सिस्टम ओके रहेगा तो ये ऑफ हो जाएगी, लेकिन ये ऑफ नहीं हो रही है, मतलब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, आपको डायरेक्ट फॉल्ट दिखाता हूँ मैं। तो मैं इग्निशन स्विच को ऑफ करता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर जो फ्यूज़ बॉक्स है इसके नीचे के साइड में इसका मेन रिले है। तो इसका मेन रिले का डिज़ाइन भी अलग है और उसका लोकेशन भी थोड़ा अंदर है। तो दिखाता हूँ आपको मैं उसका मेन रिले। तो इसका ये डैशबोर्ड का यहाँ पे 10 का बोल्ट खोलना पड़ता है, उसके बाद इसके अंदर और एक 10 का बोल्ट रहता है और 10 के बोल्ट के ऊपर इसका फिट रहता है। तो इसका ये मेन रिले है, यहाँ पे उसका लिखा भी है कि रिले असेंबली मेन। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जैसा भी इग्निशन स्विच ऑन करूँगा तो कट आवाज़ करना चाहिए, और जैसा भी ऑन होने के बाद थोड़े टाइम के जैसे भी ऑफ़ करेंगे तो भी ये एक बार कट मारेगा, मतलब टक टक आवाज़ मारेगा उसका, मतलब कटअप सिस्टम उसका ओके रहेगा तो ये सही से काम करेगा, लेकिन ये सही से काम नहीं कर रहा है। तो आपको मैं एक बार वापस दिखाता हूँ। मैं ये इग्निशन स्विच ऑन करेगा तो यहाँ पे उसका आवाज़ नहीं आ रहा है। ऑन किया मैंने लेकिन यहाँ पे ये उसका कट ऑफ का आवाज़ नहीं आ रहा है, और जैसे भी ऑफ करेंगे तो भी आवाज़ इसके अंदर आएगा। तो ये आवाज़ नहीं आ रहा है, तो मैं इसको चेंज करता हूँ मैं, और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहेगा। तो इसको मैंने निकाल दिया,
और यहाँ पे मैंने दूसरा ये दूसरा एक लाया है मेंद्रिले होंडा का, तो देखते हैं उसको लगा के कि ये कट ऑफ हो रहा है क्या, तो मैंने इसको फिक्स कर दिया। और अभी देखते हैं कि इसको ऑन करके, इसको ऑन करने के बाद इसमें आवाज़ आना चाहिए। तो इसमें आवाज़ आ रहा है, आपको शायद सुनाई नहीं देगा क्योंकि वो हाथ को फीलिंग होता है उसका। और दूसरा और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको कि जैसा भी इग्निशन स्विच ऑन किया मैंने, तो आपको दिखाता हूँ मैं ये जो चेक लाइट इधर है, चेक लाइट का सिंबल, वो उसका जाना चाहिए, ये थोड़ा सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली जाना चाहिए। तो देखते ही जाता है क्या, तो वापस मैं ऑन करके दिखाता हूँ। हाँ, ये चेक लाइट वापस गया, वापस एक बार मैं ऑफ करके ऑन करता हूँ। तो चेक लाइट चला गया और जैसा भी जाएगा तो यहाँ पे टक आवाज आएगा। तो आपको मैं एक बार वापस ये दोनों मूवमेंट लेता हूँ और देखते हैं इग्निशन स्विच ऑन कर आवाज आता है। देखो आपको आवाज सुनाई देगा, टक आवाज आया अभी, वापस एक बार ऑफ ऑफ कर आवाज आया। तो ये ऐसा टक ऐसा आवाज आना चाहिए। तो ये अपना ये रिले का प्रॉब्लम था, इसके वजह से इसमें करंट नहीं आ रहा था। तो देखते हैं कि गाड़ी चालू हो रही है क्या। एलो लाइट जो एमएल लाइट है वो चला गया, तो अभी देखते हैं सेल्फ मार के कि गाड़ी चालू हो रही है। तो ये अपना गाड़ी स्टार्ट हो गया, आपको मैं आगे से भी दिखाता हूँ।